रूस्टर। सर आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस SDRF हैं और अभी वर्तमान में आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात का भी कार्यभार देख रहे हैं जी। अभी हम जानना चाहेंगे कि प्रदेश में यातायात दुर्घटनाओं की क्या स्थिति है और उसमें यातायात शाखा ने क्या प्रयास किए हैं, क्योंकि पुलिस प्राथमिकताओं में भी अपने ये विषय रहा है, और क्या क्या कारण है जो दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। देखिए, राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति काफ़ी गंभीर है। 2015 में 2014 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 10,500 लोग इसका मौत का ग्रास बने 2015 में। 2016 में हमारा राज्य सरकार का और पुलिस विभाग का ये टारगेट था कि हम कम से कम 10% सड़क दुर्घटनाओं में कमी करें। तो दुर्घटनाओं की संख्या में तो कुछ कमी हुई है, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा फिर बढ़ गया है। 31 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो 92 लोग ज़्यादा मौत का ग्रास बने हैं दुर्घटनाओं को लेकर के। इसको लेकर के बहुत गंभीरता से पुलिस मुख्यालय ने और राज्य सरकार ने कार्य योजना बनाई है। हम उन सभी बिंदुओं पर जहां बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको हम ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं। तो कुल ऐसे 893 ब्लॉक्स ब्लैक स्पॉट्स हैं जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया है, और उसमें क्योंकि पुलिस अधिकारी वहां पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम करते हैं, उस दुर्घटना में सबसे पहले पहुंचते हैं, तो वो उनके हिसाब से क्या उसमें प्रॉब्लम है और कैसे उसका निराकरण हो सकता है, उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं कि कहीं पर अगर कर्व ज़्यादा बड़ा है, कर्व बहुत शार्प है तो उसको ठीक करने के लिए, कहीं सड़क की स्थिति खराब है तो उसको ठीक करने के लिए, कहीं कोई छोटी सड़क बड़ी सड़क पे सीधी मिल रही है तो उसको थोड़ा घुमावदार करके मिलाने के लिए। तो उन सब बिंदुओं को हमने PWD को और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को हमने भेजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनमें से कम कुछ जो सबसे ज़्यादा विकटतम बिंदु हैं उनमें हम समन्वित प्रयास करके और वहां पर दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास कर पाएंगे। अभी जो ये जो दुर्घटनाओं के जो मुख्य कारण है सर, वो क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से ये सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में जो सबसे बड़ा कारण है वो रिकॉर्ड के हिसाब से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से है कि ड्राइवर की लापरवाही है, और ड्राइवर की लापरवाही में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो तेज गति से वाहन चलाना। अगर वाहन आपका 30-40 की स्पीड से चल रहा है और दुर्घटना हो भी गई तो व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, संभवतया बचने थोड़े 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 नुकसान से बचने की संभावना है। तो सबसे पहला कारण है तेज गति, तेज गति से वाहन चलाना सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है खतरनाक तरीके से चलाना। खतरनाक तरीके से चलाने का मतलब यह है कि भीड़ वाले इलाके में तेज से चलाना और नियमों को पालन नहीं करना और जिगजैग तरीके से चलाना। देन तीसरा है शराब पी के वाहन चलाना। अमूमन ये देखा गया है कि जो युवा हैं वो शराब का सेवन करके और हाईवे पे भी चले जाते हैं तो दुर्घटना का जब शिकार होते हैं तो उसमें जितने भी लोग होते हैं वो मौत का शिकार बन जाते हैं। देन मोबाइल का यूज भी आजकल दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका मन भटकता है, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है, तो वो एक दुर्घटना का कारण बनता है। ओवरलोडिंग भी दुर्घटना का कारण इस प्रकार से बनता है कि हर वाहन की एक कैपेसिटी होती है कि उसमें इतना लोड बियर करने की कैपेसिटी है, उससे अगर दुगुना तिगुना अगर लोड होगा और वो सड़क पर चलेगा तो जहां भी कहीं घुमाव या कहीं मोड़ होगा तो वहां पर पलटने के चांसेस होंगे, और जो मेजर कैजुअलिटीज हैं वो ओवरलोडिंग और तेज गति के कॉम्बिनेशन के कारण होती है। तो ये कुछ कारण है। इनका बचाव इस तरह से हो सकता है कि लोग अपनी गाड़ी को फिट रखें, अपनी स्पीड को लिमिट में रखें। हर जगह जो स्पीड लिमिट रखी गई है वो एक रिसर्च के हिसाब से रखी गई है, वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने रिसर्च किया है कि वहां स्पीड लिमिट अगर इतनी रखी जाए तो वो सड़क उस स्पीड लिमिट को सपोर्ट करती है। उसके ऐसे इंडिकेटर्स भी अपने यातायात शाखा में लगा रखे हैं, इंडिकेटर भी जगह जगह लगा उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो प्रोटेक्टिव गियर है वो बहुत जरूरी है। हेलमेट टू व्हीलर्स पे 71% केसेस परसेंट प्रोबेबिलिटी कम करता अगर सही हेलमेट ISI मार्का का सही से स्ट्रैप करके लगा हुआ हो, सही से बांध के लगा हुआ हो, तो 71% चांसेस हैं कि आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण आपका शरीर का अंग है सिर, वो बच जाएगा। हाथ या पांव में आपके फ्रैक्चर भी अगर होता है तो वो जान बच सकती है।
देन हेलमेट के साथ साथ सीट बेल्ट, जब तेज गति से हाईवे पे चलते हैं, या तो एक तो होता है प्राइमरी एक्सीडेंट जिसमें कि दो गाड़ियां आपस में बैठती है, एक उसके साथ होता है सेकेंडरी एक्सीडेंट, जो गाड़ी के अंदर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट हैं, आदमी या जो भी सामान, वो उस इम्पैक्ट के कारण वहां अपने जगह छोड़ते हैं उस इम्पैक्ट की वजह से। तो उसमें अगर सीट बेल्ट लगा हुआ होगा तो निश्चित रूप से जान बच सकती है। हम देख रहे हैं जो जयपुर अपनी राजधानी है प्रदेश की, उसमें कई ऐसे नए संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, कई बैरिकेड्स, डिवाइडर, कई नए प्रयास हुए हैं। बिल्कुल। तो जो ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं, क्या क्या संसाधन जो है यातायात शाखा को उपलब्ध करवाए गए हैं अपने पुलिस विभाग की तरफ से राज्य सरकार द्वारा, और वो कौन कौन से मुख्य शहर हैं जहां पर ये संसाधन उपलब्ध करवाए गए? देखिए, एक तो इंटरसेप्टर एक वाहन है, एक बड़ा मॉडर्न वाहन है, बहुत ही आधुनिक वाहन है, जिसके अंदर की स्पीड गन्स हैं, जिसमें कि चलती हुई गाड़ी की स्पीड मेजर हो जाती है, उसकी नंबर प्लेट आ जाती है। तो ये वाहन जयपुर में काफ़ी संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं, कोटा, अजमेर और जोधपुर में भी ये वाहन उपलब्ध कराए गए हैं कुछ, और ये बहुत ही अच्छे वाहन हैं, जिसमें कि तेज गति से वाहन चलने वाले और खतरनाक तरीके से चलाने वाले वाहन वाले, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकती है एविडेंस के साथ। वो वीडियो बन जाता है, उसका एक फोटो बन जाता है, और अगर कोर्ट में पेश करना हो तो वो एविडेंस भी पेश किया जा सकता है। इनका बहुत ही अच्छा उपयोग राजस्थान में हो रहा है। क्रैश लैब, हमारे पास पहले क्रैश लेबोरेटरी नहीं थी, अगर कोई भी गाड़ी पिटती है, क्रैश होता है, तो उसका क्या कारण रहा, क्या स्पीड थी, क्या वो सारी डायनेमिक्स के लिए हमारे पास गाड़ी पहले साधन नहीं था। अब हमारे पास आधुनिकतम क्रैश लैब्स आई हैं, जो हमने जयपुर में, कोटा में और जोधपुर में दी है, जहां पर उनका भी उपयोग हो रहा है। देन ब्रेथ एनालाइजर्स, हमारे पास जब पहले शराब पी करके कोई गाड़ी चलाता था तो जवान उसको सूंघता था, और सूंघ करके फिर हॉस्पिटल में ले जाता था, और हॉस्पिटल में उसका ब्लड सैंपल लेकर के एक लंबी प्रक्रिया होती थी, जिसके बाद ये पता चलता था कि उसने शराब पी रही कि नहीं पी रही। अब हमारे पास आधुनिकतम ब्रेथ एनालाइजर्स हैं, एक मशीन है जिसमें कि जो वाहन चालक है उसको फूंक मारने के लिए कहा जाता है, और उसमें अगर उसने शराब पी भी होती है तो उसकी मात्रा उसमें आ जाती है, तो वो अगर उस सीमा से ऊपर होती है तो हम उसमें कार्रवाई करते हैं। ये भी बड़ी संख्या में जयपुर में, कोटा में, अजमेर में और ज्यादातर जिलों में हमने दी है, जिससे कि मौके पर जयपुर के तो हर थाने में ये उपलब्ध कराई हुई है। इसके अलावा बैरिकेड्स अच्छी क्वालिटी के जयपुर में हैंड हेल्ड सेट्स दिए गए हैं, जिसको कि ई चालान सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत ही आधुनिकतम एक डिवाइस है, कंप्यूटर की डिवाइस है, जिसमें कि राजस्थान के और पड़ोसी राज्यों के समस्त वाहनों का पूरा डेटा है, वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर का। तो कोई भी गाड़ी अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, उसका नंबर फीड करते ही उस गाड़ी की हिस्ट्री वहां आ जाती है कि इस गाड़ी के चालक ने पहले कितने वायलेशंस कर रखे थे, तो उसका पूरा डेटा हो जाता है, और वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट चीज़ है। अगर कोई वायलेशन करता है तो वो जो अधिकारी है उसको सिर्फ वायलेशन लिखना है, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इसमें 500 रुपये का जुर्माना है या 1000 रुपये का जुर्माना है, और वो जो व्यक्ति है जो जिसकी गाड़ी पकड़ी जाती है वो भी उसके अंदर साइन करके और हाथों हाथ वहीं मौके पर एक रसीद जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से नए उपकरण किए जा रहे हैं। इसके अलावा जयपुर में कंट्रोल रूम में एक कंट्रोल रूम बना रखा है, जिसमें कि शहर में कई जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं, तो उन कैमरों से कोई रेड लाइट वायलेशन करता है तो वो पकड़ में आ जाता है, उसको सीधा उसके आधार पर, वीडियो के आधार पर नोटिस भेजा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहां पर कि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको भी ऑटोमेटिकली नोटिस जनरेट करके भेजे जा सकते हैं। जो यातायात की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की रचना हुई है, तो उसके क्या आयाम है, उससे क्या फायदा यातायात शाखा को होगा? उससे यह है कि जहां कहीं भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो मौके की जो वीडियो फोटो वो व्हाट्सएप पे लेकर के और वो भेज देते हैं, और जो मौके पे अधिकारी पहुंचता है वो अपने एसपी के साथ भी शेयर कर लेता है, यहाँ भी शेयर कर लेता है, तो दुर्घटना के सारे आयामों का पता चल जाता है। इसके अलावा जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस भी देने होते हैं कि भाई अभी इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है, ड्रंकन ड्राइविंग पे, ओवरलोडिंग पे, इस पे, तो हम
जो कुछ लिटरेचर ऐसा बना हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो वो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो मौके पर अधिकारी लगे हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आम जनता के लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कहीं देखते हैं कि कोई वायलेशन हो रहा है, जैसे अभी हमने कर रखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी पूरे राजस्थान में अगर बिना हेलमेट के कोई दुपहिया वाहन चलाता है वर्दी में, तो ये बहुत ही गंभीर श्रेणी का एक दुराचरण माना गया है। हमने सब जिला पुलिस अधीक्षकों को निवेदन किया है, सब आईजी रेंजेस को बताया है कि इसको कतई, आम जन के लिए भी बिना हेलमेट के वाहन चलाना पूर्णतया वर्जित है, लेकिन हम कानून व्यवस्था की पालना कराने वाले लोग हैं तो हमारे लिए तो ये पूर्णतया वर्जित है। पुलिस मुख्यालय में और सारे प्रशिक्षण संस्थाओं में भी हमने व्यक्तिगत तौर पर बात करके ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो बिना हेलमेट के कैंपस में एंटर नहीं होगा। अगर वो हेलमेट लेके नहीं आता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी और उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ होगी। इसी तरह से जो चौपहिया वाहन है उसके वाहन चालक और जो बैठने वाले लोग हैं वो सीट बेल्ट का उपयोग करें, ये भी उनको मैंडेटरी किया गया। पहले हम खुद इसकी पालना करना शुरू करेंगे तो जनता भी उनसे उससे पालना करेगी। तो जहां भी कहीं वायलेशन होता है तो आम जनता को भी कहा गया है कि वो व्हाट्सएप पे फोटो लेके हमारे पास भेजते हैं और ऐसी सूचनाएं आती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की।